वो झेलम क्रॉस कर रहा है सर जी, फिर देखिए मैं इतना सर जी। बेलगाम कॉलिंग गुलमर्ग ओवर, बेलगाम कॉलिंग गुलमर्ग ओवर। गुलमर्ग इज गेटिंग यू लाउड एंड क्लियर, ओवर। गुरदीप घर को कवर करो। ओके सर जी। अविनाश मुझे कवर करो। यस सर। मैं घर में घुस रहा हूँ। ओके, हमने घर को घेर लिया सर। मूव इट, गाड़ी रोको। हम ये जगह छोड़ रहे हैं, मिशन मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ रहा है। तुम लोग तैयार हो? हम टेलीकास्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओवर। गो ओवर एंड आउट। गोलियां चलाना बंद करो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। बोल मिशन कश्मीर क्या है? बोल अल्ताफ का है। बोल। मजार शरीफ। क्या? 1987 रूसियों ने मेरी गर्दन काट दी। 7 दिनों तक कटा सर अपने गर्दन से जोड़ कर रखा। 7 दिनों तक ना खाना ना पीना ना सोना। अगर कुछ करता तो सर टपक जाता। 7 दिनों तक इसी तरह अपना सर पकड़ कर रखा, कुछ नहीं बोला। तुम 37 मिनट में मुझसे क्या बुलवाओगे? कोशिश करना है, करो करो करो। 37 मिनट? अब 36 मिनट मेरा बच्चा अल्ताफ मिशन शुरू कर चुका होगा। 36 मिनट में तुम्हारा हिंदुस्तान। 36 मिनट? 10 सेकंड। 10 सेकंड में तेरा दिमाग जमीन पे पड़ा होगा अगर नहीं बताया तो। बोल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सब ये मिशन कश्मीर इस तस्वीर के सारे टुकड़े में जोड़ चुके हूं। बहुत खौफनाक है ये तस्वीर। सर हमारे आर्मी के कमांडर्स रेड अलर्ट पे हैं सर, आपके ऑर्डर्स मिलते ही हमला हो जाएगा। कहां करोगे हमला? पता है मिसाइल्स का है? 36 मिनट में पूरे कश्मीर को छान मारोगे तुम? कोई कमांडोस, कोई आर्मी, कोई पुलिस कुछ नहीं कर सकता। We've lost कश्मीर अविनाश। लेकिन मैं उस हरामी हिलाल के चेहरे के टुकड़े उड़ा दूंगा। हेरी खान साहब, सिर्फ वो जानता है कि वो मिसाइल्स कहाँ है। पर वो हमें वहां कैसे ले जाएगा सर? ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। अगर उसे यकीन हो गया कि मैं कश्मीर से उतना प्यार नहीं करता जितना मैं अल्ताफ से नफरत करता हूं, अगर उसे यह यकीन हो जाए कि मैं अपने इंतकाम की आग में इतना अंधा हो गया हूं कि हिंदुस्तान को भूल चुका हूं, अगर उसे यकीन आ गया कि वो बच जाएगा और मैं मर जाऊंगा, पर उसके साथ मुझे अकेले जाना पड़ेगा। We will give you cover, sir. No wrong move. One wrong move और कश्मीर तबाह हो जाएगा। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। Is that understood, sir? पर खान साहब, आप अकेले? या मैं मर जाऊंगा या कश्मीर बच जाएगा। सूफी, तुम अविनाश और प्रदीप के साथ नीलू की राख हरिद्वार की गंगा में बहा देना, शायद वो मुझे माफ कर दे। Everyone out, out. Sir ji. मैं हार गया हूं हिलाल। मेरे आदमी अल्ताफ का पीछा कर रहे थे, लेकिन अभी अभी खबर मिली है कि वो उनके हाथों से निकल चुका है। अब सिर्फ तुम ही मुझे उसके पास पहुंचा सकते हो।
ये लो, चाहे तो खत्म कर दो मुझे, लेकिन मुझे अल्ताफ दे दो। मेरा बच्चा अल्ताफ तुम्हें दे दूं? नहीं खान, अब वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा, वो हमारा बच्चा है। उस पर तो हमारा पूरा हिंदुस्तान का बाढ़ में गया। हिंदुस्तान और जन्नुम में चाहे कश्मीर, मुझे सिर्फ अल्ताफ चाहिए। बहुत प्यार है तुमको, पर उस पर तो हमारा पूरा मिशन मुनस्सर है। तुम्हारा मिशन तुम्हें मुबारक हो इलाल, मुझे अल्ताफ दे दो। मैं अपने हाथों से उसको ऐसी मौत मारूंगा कि फिर कोई बेटा अपनी मां की जान लेने की जरूरत नहीं करेगा। तुम पठान हो ना, इसलिए बदले का मतलब समझ सकते हो। मैं अपनी बीवी के खून के बदले की भीख मांगता। अगर तुम सच्चे पठान हो तो मेरी नफरत को समझो। पठान को तो सिर्फ दो ही बातें आती है, हद से ज्यादा प्यार और बेहद नफरत। तो अपना फर्ज पूरा करो पठान, अल्ताफ मुझे दे दो। तुम्हें अल्ताफ मिल जाएगा, उन्हें कश्मीर, और हमको क्या मिलेगा? तुम्हारी जिंदगी। मेरे आदमी तुम्हें एलओसी के उस पार पहुंचा देंगे और तुम्हें कोई छुएगा भी नहीं। तुम्हारी नफरत वाकई पठान के काबिले तारीफ है। मंजूर है। खान, तुम्हारी मंजिल आ गई है, सब्र। इदरीस, देर हो गई जनाब, सब ठीक तो है? रुक गया था तुम्हारे लिए तोहफा लाने। ये लो, ये उसी काफिर पुलिस वाले की पिस्तौल है जिसने बचपन में तुम्हें यतीम किया था। खान। हाँ खान। कहा था ना, तू मेरा मिशन पूरा कर और मैं तेरा मकसद। पठान दुश्मन को भी जबान देता है तो निभाता है, फिर तू तो मेरा बच्चा है। ये ले, जा और अपना मकसद पूरा कर। Yeah.
अपनी आंखों ने मुझे 10 साल सोने नहीं दिया। बात सुनो अल्ताफ, तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा जैसे तूने नीलिमा को दी थी। ये बचा है उस औरत का जिसने तुम्हें बेटा माना था, और कल यही बचेगा कश्मीर का, और इसके जिम्मेदार होगे तुम। तुम जानना चाहते हो ना मिशन कश्मीर क्या है? इसका प्राइम मिनिस्टर के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। आज जुम्मा है, हजारों लोग हजरत बल में नमाज अदा करने के लिए जमा होंगे। जैसे वो सजदे में झुकेंगे तुम्हारा मिसाइल उन्हें मासूम मुसलमानों का खून वो सफेद दरगाह को लाल कर देगा अल्ताफ, और इसके जिम्मेदार होगे तुम। मिसाइल तैयार है जनाब। हजरत बल को उड़ाने का इल्जाम लगाया जाएगा इंडियन आर्मी पर। वो कहेंगे कि हिंदू फौजों ने हजरत बल को उड़ा है। जरा सोचो अल्ताफ, क्यों आर्मी के यूनिफॉर्म्स में तुम लोगों ने तस्वीरें खींची थी? ये सच नहीं है। ये पूरा सच नहीं है अल्ताफ। याद है बचपन में नीलू तुम्हें शंकराचार्य ले जाती थी? आज तुम्हारा दूसरा मिसाइल माथा टेकते हुए यात्रियों पर गिरेगा, शंकराचार्य पर। बहुत देर लगा रहा है बच्चा, चल कोहिशा। वो कहेंगे कि हजरत बल के बदले में मुसलमानों ने मंदिर गिराया। ये है तुम्हारा मिशन कश्मीर। इसी झूठ को फैलाने के लिए हमारा टीवी टावर उड़ाया गया, ताकि वो अपनी टीवी पर ये झूठी तस्वीर दिखा सके। तुम्हारी सूफी ने कयामत अपनी आंखों से देखी अल्ताफ। जरा सोचो अल्ताफ, बाबरी मस्जिद टूटी थी तो क्या हुआ था? दरबार साहब पर गोलियां चली थी तो क्या हुआ था? सोचो अल्ताफ। शंकराचार्य और हजरत बल दोनों कह टूटेगा फिर जहर भर से इंसान हैवान हो जाएगा अल्ताफ। फिर ये गलती ने तेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी बेटे। तेरी इस गलती से पूरा कश्मीर तबाह हो जाएगा बेटे। तू मुझे कभी माफ नहीं कर सका, कश्मीर तुझे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीर की मौत है मिशन कश्मीर। बहुत बोलता है काफिर, खत्म करो इसे बच्चा। मुझे मार डाला अल्ताफ, लेकिन कश्मीर को बचा ले बेटे। मारो बच्चा। इन आंखों ने तुझे 10 साल सोने नहीं दिया ना, ये ले इन आंखों के बीच गोली मारो अल्ताफ। मारो बच्चा मारो, लेकिन अपनी माँ की खातिर कश्मीरियत को बचा ले बेटे। मारो बच्चा। याद है तुझे वो हजरत पर लेके जाती थी? अता सोच क्या रहा है, मार उसे। भूल गया तू शंकराचार्य? मार गोली, मार गोली, मार अल्ताफ, मार गोली अल्ताफ, मार गोली, मार मार मुझे, मार उसे। नेकी और पतियों में, हैवानियत और इंसानियत में, कहर और कश्मीर
इसलिए बहुत सोच समझ कर गोली चलाना बेटा, बहुत सोच समझ कर। इसे मारना मत अल्ताफ, यही हमें मिसाइल तक ले जाएगा। सितम को और गुनाह को जिहाद किसने लिख दिया। शुक्र है तो आज मुझे माफ़ दे जा रहा है। जहाँ पर जन्नत है, जिस राह पर दीन है, समझ रहा है मेरा बच्चा, समझ रहा है बच्चा। यही तेरी मंजिल है, यही तेरा हुक्म है। अल्लाह ताला की मर्जी है कि दुश्मन को मार। यही तेरा मजहब है, यही तेरा मजहब है बच्चा, यही। आउट, आउट। मजहब के नाम पर जिंदगी के बदले मौत बांटने के लिए मासूम बच्चों के हाथ में कलम की जगह कारबाइन थमाने के लिए जन्नत कश्मीर को जहन्नुम बनाने के जुर्म में मैं तुझे मौत देता हूं।
मिशन कश्मीर नाम की इस साजिश में हजरत बल और शंकराचार्य दोनों मुकद्दस जगहों को मिसाइल से उड़ाने की तैयारी थी, मगर कश्मीर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और बहादुरी की बदौलत उग्रवादियों की इस खतरनाक साजिश को नाकामयाब कर दिया है। इस मिशन के पीछे किसका हाथ था यह अभी तक मालूम नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक किसी भी क्या हुआ हुक्म हुआ है कि मिशन कश्मीर की नाकामयाबी राजी रहे। शुक्र है मिशन की मालूमात और किसी को नहीं है सिवा हमारे। हाँ, सिवाय तुम्हारे। हमारे वाशिंगटन के नामाधिकार ने बताया है यूएनओ में प्रेस से बात करते हुए। आउट था क्या मैं? नहीं। अल्ताफ, अल्ताफ, क्या हुआ? बर्फीला मैदान, एक हरे रंग की पिच और एक लकड़ी का पुल और एक गुलाबी रंग का घर। आज 10 साल के बाद मैंने एक ख्वाब देखा। अब्बा, क्या कहा? 10 साल के बाद। उसके बाद ख्वाब देखा? उसके बाद अल्ताफ, अब्बा,